नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मैथ्स एंड साइंस चैनल में। अभी हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे साइंस से रिलेटेड, बायोलॉजी का क्वेश्चन जो एससी रेलवे और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। यहाँ आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आइए आंसर देखते हैं। इसका सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। आप आसानी से मेरे साथ फटाफट सारे क्वेश्चन को जल्दी जल्दी याद कर सकते हैं। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्रावण होता है? इसका आंसर देखते हैं, रिलैक्सिन होता है। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ये होता है सेरेब्रम के द्वारा। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? ये होता है हाइपोथैलमस के द्वारा। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? ये होता है कुटपाद के द्वारा। निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह है क्या? उच्छ्वास। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? ग्लूकोज का उपयोग करती है। किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुँचता है? ये आंसर है विसरण द्वारा। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? ये है विघटन द्वारा। फटाफट हम लोग 10 क्वेश्चन बनाए 1 मिनट में। अभी हम आगे देखते हैं फटाफट ऐसे और क्वेश्चन। खाद्य पदार्थों का पौधे में संस्थान का मुख्य रूप से कौन सा है? ये है सुक्रोज। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? 120/80 होना चाहिए, सही आंसर है। मनुष्य में मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली क्या है? दोस्तों ये है ड्यूरामीटर। मनुष्य में सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है, यह है घ्राणेंद्री पाली। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है सेरेब्रम। मनुष्य में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण करता है इंसुलिन के कारण। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है? एंजाइम है। वह जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? इनमें से बताना है कि जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है। इसमें है सभी, पोषण भी, उत्सर्जन भी और श्वसन भी। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? ये मृत जीवी है। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है 78%, 21%, 4% और 0.03%। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पूछी जा रही है तो ये 0.03% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। हम लोगों ने 20 बनाया 2 मिनट में, फटाफट और जितना जल्दी बना सके। छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? वैसा पौधा जो छाया में होता है इसको कहते हैं सीओकाइट्स। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा, नाक, ट्रैकिया, क्लोम। इसमें आंसर फेफड़ा होगा। निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? डायरिया, TB, निमोनिया, बी और सी निमोनिया आंसर सही होगा। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हाइपरटेंशन। इसमें देखो दोस्तों, हाइपो और हाइपर, हाइपर मतलब सबसे ऊँचा, हाइपो मतलब कम होता है। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? इसमें है अमोनिया। पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? इसका सही आंसर है वाष्पोत्सर्जन। निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? इसका आंसर है पत्ती। पौधों में गैस के आदान प्रदान के लिए रहते हैं, क्या रहते हैं? इसमें रंध्र होता है। फेफड़ों का आकार होता है, ये किस तरह का होता है? तो ये शंक्वाकार होता है। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन है, संयोजन है, अपचयन है या विस्थापन है? इसका आंसर उपचयन है। आगे देखते हैं और दोस्तों, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हार्मोन शब्द का नामकरण सबसे पहले किसने किया था? यह बेलिस और स्टार्लिंग ने किया था। पृथक्करण का नियम किसने दिया था? पृथक्करण। इसमें ऑप्शन है एसिरियंस है, डार्विन है, मेंडल है, बेबेलिनियन है। इसका आंसर मेंडल ने दिया था। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन है लैमार्क और ट्रेविनस ने, वान मॉल ने, पुरकिंजे ने, अरस्तु ने। इसका सही आंसर है लैमार्क और ट्रेविनस ने। जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसे माना जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। लैमार्क है, डार्विन है, अरस्तु है और ट्रेविनस है। इसमें अरस्तु सही आंसर होगा। वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं? थियोफ्रेस्टस है, डार्विन है, पुरकिंजे है, अरस्तु है। वनस्पति के फादर थियोफ्रेस्टर को कहते हैं मित्रों। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ऑप्शन है ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, पुर्तगाली। तो इसका सही आंसर है ग्रीक। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? वर्गीकी, अनुवंशिकी, कार्यकी और पारिस्थितिकी। इसका पारिस्थितिकी में किया जाता है, अनुवंशिकी में जेनेटिक्स से संबंधित किया जाता है।
डेंड्रोलॉजी का संबंध है। डेंड्रोलॉजी पौधों के अध्ययन से, पुष्पों के अध्ययन से, झाड़ियों के अध्ययन से और वृक्षों के अध्ययन से। इसका सही आंसर है झाड़ियों के अध्ययन से। इस तरह से साइटोलॉजी यानी लॉजी वाले जितने सारे आते हैं, हिस्टोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, ठीक है, तो ये और सब आप देख लीजिएगा, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। एगेस्ट्रोलॉजी, फिनोलॉजी, एंथोलॉजी, एंथोलॉजी सही आंसर है इसका। और आगे देखते हैं मित्रों, फटाफट हम लोग कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। जल्दी जल्दी, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं? ओलेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, फ्लोरिकल्चर। इसका सही आंसर है हॉर्टिकल्चर। इसके बाद है स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ये परागण का अध्ययन करते हैं मित्रों, बीज है, फल है, पत्ती है। बीज सही आंसर है इसका। एग्रेस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एग्रेस्ट्रोलॉजी, अभी बताया था ना कि लॉजी वाले बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका सही आंसर देखते हैं क्या होगा। घासों का अध्ययन किया जाता है एग्रेस्ट्रोलॉजी। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पीडोलॉजी, भूमि का, फलों का, चट्टानों का। इसका सही आंसर है भूमि का। पौधों को नाम देने वाले विज्ञान, नामकरण, वर्गी की पहचान या वर्गीकरण। इसका सही आंसर है वर्गी की। निम्नलिखित में से किसे वर्गी की का पितामह कहा जाता है? ऑप्शन है एंगलर, लिनियस, अरस्तु और लैमार। इसका सही आंसर लिनियस है। इनका पूरा नाम कैरोलस लिनियस है। सूक्ष्म जीव मिलते हैं रेतीली मिट्टी में, लवणयुक्त पानी में, दलदल भूमि में, इनमें सभी जगह सूक्ष्म जीव मिलते हैं। विषाणु वृद्धि करता है यानी वायरस अपना ग्रोथ करता है, कहाँ करता है? तो जीव कोशिका में। साबुतदाना किससे बनाया जाता है? पाइनस से, सेट्रस से, जूनिपेरस से, साइकस से। इसका सही आंसर साइकस है। फलों का अध्ययन कहलाता है फिनोलॉजी, पोमोलॉजी, एग्रेस्ट्रोलॉजी, एंथोलॉजी। इसका सही आंसर दोस्तों पोमोलॉजी है। आगे देखते हैं, और द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक हैं? द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक हैं डार्विन है, थियोफ्रेस्टस है, लिनियस है या हिप्पोक्रेटस है। द्विनाम पद्धति का यानी इसमें कैरोलस लिनियस की ही नाम आती है, क्योंकि इन्होंने क्लासिफिकेशन का पिता भी इन्हें कहा जाता है। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? इसका सही आंसर लुवेनहॉक है। आगे देखते हैं, जिन पौधे पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं अनावृत बीजी यानी इनमें बीज का न होना। आगे क्वेश्चन है, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? जीवाणु सर्पिल होते हैं, गोल होते हैं, छर रूपी होते हैं या कोमा रूपी होते हैं? ये छर रूपी होते हैं जीवाणु। आगे देखते हैं, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? वाइब्रियो, गोलाणु, दंडाणु, स्पाइरेला। इसमें गोलाणु होगा सही आंसर। निम्नलिखित में कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? पीलिया है, तपेदिक है, चेचक है या सभी है? इसमें तपेदिक जो है जो बैक्टीरिया से होता है। मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु एस्टेरिया कोलाई है, कोरिनोबैक्ट्रियम है, वाइब्रियो कोलाई है, इनमें से कोई नहीं। इसमें एस्टेरिया कोलाई होना चाहिए, सही आंसर है दोस्तों। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतया पाए जाते हैं आवृत बीजियों में, कवकों में, विषाणुओं में, जीवाणुओं में। इसका सही आंसर है जीवाणु में पाया जाता है। निम्न में से सबसे छोटा जीव है? माइक्रोप्लाज्मा, ईस्ट, विषाणु या जीवाणु? माइक्रोप्लाज्मा। निम्नलिखित में कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? पेचिस है, हैजा है, चेचक है, इनमें कोई नहीं। इसका सही आंसर है हैजा। दोस्तों हम लोग 100 क्वेश्चन करेंगे फटाफट कम समय में। आगे देखते हैं और क्वेश्चन हम, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? वायरस द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा, निमेटोइड द्वारा या प्रोटो द्वारा? बैक्टीरिया द्वारा दूध खट्टा हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? पेचिस है, दम्मा है, कुष्ठ है। आप इसमें कुष्ठ जो है ये जीवाणु संक्रमण के कारण होता है। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोवस्की है, एडवर्ड जेनर है, लिनियस है और स्मिथ है। इसका सही आंसर है इवानोवस्की। चेचक के लिए टीके का विकास किया था? मेलेस्टीन ने, एडवर्ड जेनर ने, लुइस पाश्चर ने। इसका सही आंसर मित्रों लुइस पाश्चर होगा, एडवर्ड जेनर ने। सही, गलत हो गया मेरा, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूध के दही के रूप में जान जमाने का कारण है, इसमें है लैक्टोबैसिलस, दूध से दही बनाता है ये। इसका सही आंसर रहा। निम्नलिखित में से कौन स्वपोषी होता है? दैट मीन्स वो अपना भोजन खुद बनाता है। इसका सही आंसर है शैवाल। टीडा रोग किस में होता है? टीडा,
टिड्डा रोग ज्वार में होता है, गन्ना में होता है, चावल या मूंगफली में? इसका सही आंसर मूंगफली है। एचआईवी द्वारा होने वाला रोग है, ये मित्रों सभी आदमी जानते हैं, एचआईवी का कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ देता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। इसका सही आंसर है आदसक, एचआईवी द्वारा होने वाला रोग। ये थोड़ा नाम नया है, आदसक इसका हिंदी नेम लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? मलेरिया है, यक्ष्मा है, चेचक या पीलिया है? विषाणु यानी वायरस जिसको कहते हैं, चेचक से होता है, जिसकी छोटी माता या बड़ी माता भी नाम रखा जाता है। किस शैवाल में आयोडीन प्राप्त होता है? किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? ऑर्डोगोनियम है, यूलोथ्रिक्स है, एक्टोकार्पस है, लेमिंड्रियो है? इसका सही आंसर है लेमिंड्रियो। और आगे देखते हैं, 70 हुआ है, हम लोग 100 क्वेश्चन फटाफट बनाएंगे। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है, फोबिया का मतलब ही होता है डर। हाइड्रोफोबिया जो है ये बीमारी होता है विषाणु से। निम्नलिखित में से किससे एंजाइम नहीं होते हैं? इसमें एंजाइम विषाणु है, जीवाणु है, शैवाल है और लाइकिन है। इसका सही आंसर जाएगा विषाणु। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? कुत्ते के काटने से, इसमें हैजा है, पेचिस है, मम्स है, हाइड्रोफोबिया है। हाइड्रोफोबिया होता है कुत्ते के काटने से। फोबिया का मतलब ही होता है डर। सार्स, SARS क्या है? यह एक विषाणु जनित रोग है, ठीक है। आगे देखते हैं, खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है, खसरा किसके द्वारा होता है? ये विषाणु के द्वारा होता है। आलू में मोजैक रोग का कारक तत्व है, फफूंदी है, लाइकेन है, जीवाणु है या विषाणु है? इसका सही आंसर देखते हैं विषाणु है। जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? विषाणु है, प्रोटोजोआ है, जीवाणु है या विषाणु के द्वारा होता है? इसको आम भाषा में लोग गांव के क्षेत्रों में खोड़ा कहते हैं, जिसमें मुंह और पाँव में उसके घाव हो जाते हैं, जिसमें पशु खाना वाना नहीं खा पाते हैं, ठीक से रह भी नहीं पाते हैं। शैवालों की, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? क्यूटीन की, काइटीन की, सुरेबियन की, सेलुलोज की? आई थिंक काइटीन की बनी होनी, सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केल्प प्राप्त होता है लाइकेन से, समुद्री शैवालों से, जलीय शैवालों से? शैवालों से। इसका सही आंसर है समुद्री शैवालों से। लाल सागर रंग, लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? मांस, लाइकेन, शैवाल, जीवाणु? इसका सही आंसर है शैवाल। आगे देखते हैं और हम लोग क्वेश्चन, अगर किससे प्राप्त होता है? ये है इसका सही आंसर शैवाल। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है? एगेस्ट्रोलॉजी, माइकोलॉजी, फिनोलॉजी और पोमोलॉजी? इसका सही आंसर है माइकोलॉजी। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटीन की, हेमिसेलुलोज की, लिपिड्स की, प्रोटीन की या सेलुलोज की? इसका सही आंसर है काइटीन और हेमिसेलुलोज की। सभी कवक सदैव होते हैं, मृत्युपजीवी, परजीवी, विविधपोषी, स्वपोषी? इसका सही आंसर है विविधपोषी। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं जूलोजिसस या कॉर्टिलोकस या? इसका सही आंसर है कॉर्टिकोलस। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं शॉक्सिकोलस, जूफिलस, टेरिकोलस या कोप्रोलिकस? इसका सही आंसर है कोप्रोफिलस। निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? कवक में, शैवाल में, ब्रायोफाइटा में, टोरिडोफाइटा में? इसका सही आंसर कवक है। खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकिन को क्या कहते हैं? परमेलिया, सेक्सिलिक्स या सेक्सिकोस या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है सेक्सिकोलस। जापान में, बोल रहे हैं पागल हो।